G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गए। के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक नई गहराई आई है। अमिताभ जी, भाटिया जी, हम इन्हीं तस्वीरों पर समझना चाहेंगे भारत और फ्रांस के लगातार बढ़ते रिश्ते, आपसी समझ, और ये महज व्यापारिक रिश्ते नहीं है बल्कि तमाम मसलों पर बढ़ती समझ ये दिखाती है कि ये बात अब एक और स्तर ऊपर है जहाँ पे हमारी समझ आगे है और फ्रांस भी हमको अहमियत किस स्तर की देता है। मिस्टर भाटिया जी, हाँ, फ्रांस हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सामरिक पार्टनर के रूप में न केवल आज या कल से बट बहुत वर्षों से रहा है, और उसका मुख्य कारण यही है कि दोनों देश, फ्रांस और भारत, हमेशा ये मानकर चलते रहे हैं कि दुनिया में हमेशा मल्टीपोलैरिटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जो भी देश हैं वो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्रता से उसको बना सकते हैं और उसका कार्यान्वयन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा एकता का बल है जो हम दोनों को साथ रखता है। इसके अलावा बाकी तो और बहुत सारी बातें हैं जो आपने स्वयं कही हैं, संस्कृति, कला, इतिहास, जनता से जनता का मेल, वो सब जरूरी है। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि फ्रांस के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी भारतीय एम्बेसी पेरिस में ही हुई थी जी। वहाँ पर फ्रेंच भाषा सीखने का अवसर मिला था और उस जमाने से आज के जमाने तक फ्रांस में जो भारत के प्रति दृष्टिकोण है, भारत के प्रति जो परसेप्शन से छवि है, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जो सम्मेलन हुआ है उसकी सफलता में हमारे जो मुख्य देश हैं उनका हाथ रहा है। फ्रांस का जरूर इस बारे में। सर मैं एक चीज इसी के साथ आपसे जोड़ के पूछना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी आज लॉन्चिंग हुई है, इसकी शुरुआत हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति की भी मौजूदगी वहां पे थी तमाम विश्व नेताओं के साथ में। ये जो कनेक्टिविटी का बढ़ता दायरा है भारत से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोपियन देशों तक, ये आपको दिखाता है कि कनेक्टिविटी को लेकर किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ आपसी जुड़ाव ही नहीं बल्कि कई प्रकार के संदेश भी अपने आप में दुनिया भर को देता है, किस तरह से आप देखते हैं इसको? जी हाँ, वेस्ट एशिया जो है, या जिसे मिडिल ईस्ट कुछ लोग कहते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि यूरोप और भारत के बीच में है। भारत का इससे ऐतिहासिक संबंध रहा है और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर या कनेक्टिविटी कॉरिडोर की बात आज आगे बढ़ी है। दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये प्रत्यक्ष रूप से G20 का प्रोजेक्ट नहीं है, मगर G20 के सम्मेलन का पूरा लाभ उठाते हुए जो भी संबंधित देश थे उनके नेताओं ने अपनी अलग से बैठक में शामिल होकर और पहले से जो तैयारी का काम चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए अपना अनुमोदन किया है। और इसकी, आपने जैसा स्वयं कहा, इसके आर्थिक जो लाभ होंगे वो न केवल क्षेत्र को होंगे बल्कि उसके जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको भी मिल सकता है।
हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बिल्कुल अभी शुरुआत है इस प्रोजेक्ट की, समय लगेगा, मगर इसके परिणाम अंत में सभी देशों के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके बिजनेस के लिए और उनके नेतृत्व के लिए अच्छे होंगे ऐसा माना जाता है। खास तौर से इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत वर्षों से लड़ाइयाँ होती रही हैं और यदि अब ये क्षेत्र पूरी तरह से विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा, विकास पर अपना फोकस करेगा, तो निस्संदेह शांति बनाने के यत्न में जो भी पुराने संघर्ष हैं वो धीरे धीरे समाप्त होंगे, ऐसी आशा कर सकते हैं। जी अम्बेसडर भाटिया, हम बात कर रहे हैं लगातार जिस तरह से आज रात का रात्रि भोज का आयोजन हो रहा है, हम ये भी देखते रहे हैं कि पिछले अगर हम 10 साल की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो तमाम आमंत्रित देश हैं G20 में, इनमें से बहुत से ही देशों के साथ, लगभग सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध भी हैं। क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री अपने जब दौरे करते रहे हैं इन तमाम देशों में, तो भारत की संस्कृति को इन देशों से जोड़ते रहे हैं? आज जब ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचते हैं, दिन भर की बड़ी मुलाकातों और ठोस मुद्दों पर मंथन के बाद ये जो वक्त है रात्रि भोज का, मुलाकातों का, क्या आपको लगता है ये भी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं? निस्संदेह मैं एक स्कॉलर के रूप में, क्योंकि मैं तो बहुत वर्षों पहले विदेश सेवा से रिटायर हो चुका हूँ, मगर पिछले 13-14 सालों में रिसर्चर, स्कॉलर, थिंक टैंक लीडर के रूप में काम करता रहा हूँ, तो स्कॉलर के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि आज भारत के पास एक फॉरेन पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर है, यानी एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बहुत सक्रिय विदेश नीति में विश्वास रखने के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। और ये विशेष रूप से एक हमारे लिए बड़ा एसेट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं से एक बहुत गहरे व्यक्तिगत संबंध बना लिए और उसका परिणाम ये है कि अगर कोई मसला अधिकारियों के स्तर पर, डिप्लोमेट्स के स्तर पर नहीं सुलझ पाता है, तो जब राजनीतिक नेताओं के स्तर पर जाता है तो उसको सुलझने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये आज ही हमने देखा, जब आज इतिहास बना, जैसा मैं कह रहा था कि एक तरफ तो लोग सोच रहे थे कि साहब दूसरे दिन के अंत में 12 बजे रात तक भी अगर घोषणा पत्र छप जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, मगर तकरीबन 24 घंटे पहले इस परिपेक्ष में कि पिछले 9 महीनों में ना ऑफिशियल स्तर पर, ना ही मंत्रियों के स्तर पर एक भी नॉट ए सिंगल कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट हैड इमर्ज्ड, तो उस परिपेक्ष में हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे एकाएक इतने बड़े मामलों पर सारे पूरे 100% कॉन्सेंसस से समझौता हो गया।